शरणागति के जो है छह प्रकार के लक्षण बताया, भक्ति के अनुकूल जो है उसको ग्रहण करना चाहिए और भक्ति के प्रतिकूल के छोड़ देना चाहिए। और कृष्ण मेरा रक्षा करता है और कृष्ण मेरा पालन करता है, पालन पोषण करता है, बात मिली। और अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से निवर्जन भक्ति से विश्वास भक्ति से वर्णन। और कार्पण्य शब्द भी क्या होता है, अत्यंत दीन भाव। जब भगवान के प्रति हम दीनहीन भावना नहीं करते तो भगवान के पास नहीं, कहता है अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जन रक्षिष्यते विश्वास वृद्धिते वर्णन तथा। और आत्मनिक्षेप कार्पण, आत्मनिक्षेप माने अपने को भगवान के रूप में संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना। और कार्पण अत्यंत दीन ही भावना की कार्पण्य का जैसे स्तोत्र है, ये कार्पण्य पंजी का एक स्तोत्र है, ये भगवान के लिए प्रार्थना। तो निश्चिंह प्रहलाद की कथा हम स्मरण करेंगे। यह कथा प्रसंग शिव सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के सुना है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, आपने एक बात बताया कि भगवान सब जीवों के प्रति समान व्यवहार रखते हैं, किंतु जब जब देव और असुर में युद्ध होता है तब भगवान देवता के पक्ष लेते हैं और देवता के पक्ष लेकर के असुर को क्या करते हैं, मार डालते हैं। क्यों है असुर पर? ये दोनों तो भाई है, देव और असुर ये दोनों भाई है। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, कश्यप जी के दो पुत्र दिति और दैत्य है। दिति के पुत्र कहा जाता है दैत्य और अदिति के पुत्र कहा जाता है देवता है। पिता एक है किंतु माता अलग है। तो दोनों तो भाई भाई है, भाई भाई में कुछ करें तो भगवान उसके बीच में क्यों भाग लेते हैं? और भगवान में उसमें भाग किससे भाग लेते हैं, किसके तरफ? देवता के तरफ लेते हैं और असुरों के मार्ग पर। ठीक, तो इससे भगवान के गुण जो आप बताया, समोह सर्वभूतेषु न मे दिशो न मे प्रिय, गीता में भगवान कहते हैं मेरे कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं, मैं सभी के ऊपर समान भावना रखूंगा। तो इससे तो कहां हुआ समान भावना का, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसको मुझे अच्छे से समझाइए। गीता में भी भगवान भी कहते हैं पहले असुर किसको कहा जाता है और किसको देवता कहते हैं। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत की गीता की करी करी एक ही श्लोक जैसे है ना, कौन सा श्लोक है, दैव आसुर विष्णु भक्तो भवेत दैव आसुरिस्तद विपर्जय। इस संसार में सुर और असुर किसको कहा जाता है, देवता रूप।
जो विष्णु भक्त जो है उसके देवता कहा जाता है, और विष्णु भक्त की विपरीत आचरण जो करते हैं वो अशुभ है। दो भूतो सर्गलोके उसमें दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त भवेत दैव आसुर तद विपर्य। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक असुर भाव और एक दैव भाव। दैव भाव किसको है, जो सात्विक लोग होते हैं उसको दैव भाव संबंध होता है, परोपकार करते हैं, सात्विक भावना रखते हैं, न दूसरे पर देश रखते हैं, न हिंसा रखते हैं, कुछ रखते हैं, सात्विक भावना रखते हैं बस। और परोपकारी होते हैं, दूसरे को उपकार करते हैं, न किसी के निंदा वंदना में जाते हैं, न चुटकुली में जाते हैं, चुटकुली समझते कि दूसरे के चुगली बाजी का है उसमें नहीं जाते, बस अपने भगवत सेवा में वो उसी का दैव भाव का है। शक्ति भाव करना जो होता है उसी का देता है दैव भाव करना व्यक्ति का। और असुर किसको कहा जाते हैं, जो राजसिक तामसिक गुण में डूबे रहते हैं, दूसरे के ऊपर कष्ट, दूसरे के कष्ट देना उनके ये माने ये बन जाता है, बिजनेस बन जाता है, ये असुर कोई कारण नहीं है, दूसरे के कष्ट देना ये उनकी ये बस पैसा बन जाता है। और तामसिक होते हैं, तामसिक लोगों के स्वभाव उसी प्रकार शराब पीते हैं, दुष्कर्म आदि करते हैं, दूसरे के सताते हैं, परत पर दूसरे के द्रव्य लूट लेते हैं, चोरी डकैती करते रहते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति एक्चुअली उसी के कहा जाता है असुर। कहते दो भूत सर्वलोक के उसमें दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त भवेत दैव आसुर तद विपर्य। पद्म पुराण के श्लोक है, भागवत गीता की उन्हीं एक ही श्लोक है। आइए इसमें जो है इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न कहा, ये पूर्व पूर्व अध्याय में है आपने जितनी भी कथा सुनाया और भगवान ने किया कि देवता के पक्ष लेकर के दूसरों को बल दिया और देवता को सहारा दिया, ये मेरे समझ में आया, इसके बारे में आप बताओ। तो उसी कथा प्रसंग गंगे परीक्षित सुखदेव से बात करिए, परीक्षित उनको मैं प्राचीन उपाख्यान में सुना था, प्राचीन प्राचीन एंसेंट स्टोरी तुमको सुनाता हूँ। यही कथा जो है युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के लिए भी प्रश्न किया, और यही कथा जो है देवकी वसुदेव भी प्रश्न किया था, काल काल में समय भी ऐसे। तो उसी कथा को तुमको मैं बताता हूँ, सुना है। एक समय की कथा है, ब्रह्मा के चार मानस पुत्र कौन कौन, सनक सनंदर सनातन ब्रह्म के चार मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी के मन से पर ये चार कुमार है। ब्रह्मा से सारे शास्त्र जो है अध्ययन करते हैं, सब प्रकार के गुण संपन्न थे, आज ब्रह्मा के चार पुत्र ये सारे शास्त्र अध्ययन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मेरे पुत्रों तुम लोग अध्ययन समाप्त हो गया, इसलिए तुम लोग गृहस्थ धर्म पालन करो, संसार धर्म में प्रवेश करो, जैसे स्मार्ट नीति शास्त्र में कहा लिखा पढ़ा हो जाए
जब ज्ञान अर्जन कर लोगे फिर नौकरी मिल जाए, आपके माता पिता क्या बोलेंगे? बहू ले आओ कि नहीं, लक्ष्मी ले आओ हमारे घर में। बंगाल में कहते हैं लक्ष्मी ले आओ। लक्ष्मी लाओ मतलब क्या है? विवाह विवाह नहीं किया तो तुम्हारे जीवन व्यर्थ हो जाए, ये तुम्हारे वंश परंपरा कैसे चलेगा? श्राद्ध कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? शास्त्र भी लिखा है तुम्हारे लिए यदि कोई श्राद्ध नहीं किया तुम्हारी गति नहीं होगा। इसलिए विवाह करके फिर क्या करना चाहिए? पुत्र उत्पादन करना चाहिए, बेटा होना चाहिए। बेटा यदि नहीं हुआ तुम्हारे श्राद्ध कौन करेगा? बेटी तो दूसरे घर में चली जाएगी शादी करके। इसलिए लोग चाहते हैं क्या? एक बेटा हो जाए, है? और वही बेटा ही क्या करेगा? हमारे वंश परंपरा के लिए चलेंगे, है? इसलिए कहते हैं ना शादी करो, है? शादी करना चाहिए। शादी किया कि नहीं किया? हाँ शादी किया। अच्छा शादी किया, शादी के बाद कम से कम एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए, है? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो संसार कैसे कैसे चलेगा? आगे परंपरा में कैसे चलेगा? चलो उसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी भी कहने लगे, किंतु देखो चार कुमारों ने ब्रह्मा जी के कहने लगे, पिताजी ये बताइए कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है? आश्रम वर्ण आश्रम के बारे में थोड़ा मुझे दोबारा अच्छी तरह से समझाए। तो ब्रह्मा जी ने उनके कहा, देखो चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये चार वर्ण हैं। आश्रम भी उसी प्रकार है, ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ सन्यास हैं। शास्त्र में लिखा सन्यासं शिरसि मम, सन्यास धर्म जो है भगवान की शिर से प्रकट हुई सर्वश्रेष्ठ काल है। गृहस्थ तो जो जघन देश से प्रकट हुए है, जघन देश से प्रकट है। और ब्रह्मचारी मेरे हृदय से प्रकट हुए है। और वानप्रस्थ जो है कहाँ से? कंठ से और ललाट से प्रकट है। और सन्नासन शिरसि मम, भगवान की सिर है, जैसे जो है सनातन, सनातन श्रेष्ठ माना जाता है। सन्यास ग्रहण करने से पितृकुल मातृकुल सब तर जाते हैं, है? सन्यास धर्म तो अच्छी। तो इस कथा को सुन करके चार कुमार बोले, पिताजी आप क्यों हमें बार बार फोर्स कर रहे हैं कि तुम विवाह आदि करो, सन्यास विवाह आदि करो, संसार में रह करके भजन करना बहुत कठिन होता है। जो लोग संसार में रहते हैं उसके पता है, विशेष करके कलयुग में संसार में रह करके भजन करना बहुत कठिन है। वो तो जो किया वो ठीक है, अभी पलटना नहीं है, कर लिया तो कर लिया, शादी करने के पहले सोचना है, सोचना चाहिए था, सोच लिया अभी जो सोच ले ठीक है कि नहीं है? हाँ बढ़िया कर लिया तो अच्छा है, उसके निभाना पड़ेगा ना। ये देखो गृहस्थ आश्रम में कहते गृहस्थ धर्म को निभाना पड़ेगा, वर्णाश्रम अचरावता पुरुषेन पर अपमान है, विष्णु अर्ध दे पंता नन्नत्व स कारणम। तो आश्रम धर्म का पालन करो, ठीक चलो आगे करो। तो इस कथा को सुन करके ये चार कुमारों ने विचार लिया, क्या हम सन्यास लेकर चलते हैं? देखो वो लोग क्या कि चले गए जाकर के ब्रह्म ध्यान में बैठ गए, ब्रह्म में लीन होने बस।
और इधर ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, ये देखो मेरे चार पुत्रों यदि ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म में प्रवेश करे, तो उनके जीवन सत्यानाश हो जाए। ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर भगवान दिया कृष्ण भगवत भजन करने, यदि भजन नहीं किया तो बेकार हो जाएगा तय निकल। भगवान ने शरीर की स्थिति लब्धा सुदुर्लभ विदम बहुत संभवान थे, ये शरीर जो दिया मनुष्य शरीर के तात्पर्य जो है भगवत भजन करना और कुछ कारण नहीं है। और जन्म में हम लोग सब कुछ कर चुके, इस जन्म में हम लोग शादी विवाह नहीं किया है, साफ करके आया देख लिया सब, केवल भूल गए है। यही देखो अच्छी तरह से भली बात ही देखो, ये किसमें सुख है और किसमें दुख दुख है, विचार करके देखो संसार के सभी लोग कैसे झुलस गए। एक बार कोई आग में कूद जाए उसमें निकल कर आ नहीं पाए, इसलिए आग में कूदने के पहले भली भांति सोच विचार करें। वास्तव में सत्य है, और एक बार कूद जाए तो उसे निकालना बहुत कठिन है। नित्य मुक्त महापुरुष के संभव है, जैसे श्रीवास ठाकुर आदि की कथा था, उनके पुत्र मरे मरे गए, पुत्र मरे, देखो श्रीवास ठाकुर भी क्या कर रहे, महापुरुष उनके घर में जो महिला जो रो रही है, तुम लोग रो तो महापुरुष की नाम संकीर्तन में बाधा है, इसलिए तुम लोग ऐसे कीर्तन करो ऐसे रोते रहो तो मैं भी गंगा में जाकर के समाप्त कर दूँ। श्रीवास के संसार, इस संसार में पुत्र करना आदि पालन पोषण करते हुए भगवत नाम करना भजन करना कितना कठिन होता है कि नहीं, जीवन बिल्कुल जो है बस कैला हो जाएगा, कैला समझते हो नहीं, काला हो जाएगा सर, जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये चार जब भजन कर ये करने लगे ब्रह्म में लीन होने के प्रयास कर रहे, कौन चार कुमार हो गया, तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, देखो ये ब्रह्म में लीन होना एक प्रकार के आत्मघाती काम है, आत्मा सर्वत्र क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास के कर्तव्य क्या है भगवान की सेवा करना, और भगवत सेवा छोड़ करके जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो ब्रह्म तो बन नहीं पाएंगे, जो कहते हैं ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन हो नहीं पाएंगे। जहां जहां पर शब्द भी शास्त्र में जहां पर ब्रह्मलीन शब्द कहा गया, हमारे ईश्वर रामानुजाचार्य कहते हैं उसमें जाकर के बस स्थित हो जाते पड़े रहता है, जैसे पक्षी वन में जाकर के लीन हो गया, इसके मतलब नहीं है पक्षी जो है वन वन हो गया, पेड़ पौधा बन गया, वने लीना विहंगम, पक्षी समझ है वन में जाकर लीन हो गया मतलब नहीं है जो जंगल का पेड़ पौधे बन गया वहीं पर अपनी रात है बस, ठीक उसी प्रकार जो जीव ब्रह्म में लीन शब्द का अर्थ होता है आत्मा वहीं पर जाकर पड़े रहता है। जैसे उदाहरण रामानुजाचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे पत्थर खंड जो है टुकड़े जो है जैसे पानी में डाल दो वो पानी में जाकर क्या रहे नीचे पड़ा रहे, पत्थर कभी पानी नहीं बनेगा, जो लोग कहते हैं हम ब्रह्म बन जाए ये ब्रह्म बन नहीं सकता। हमारे भक्तों ठाकुर तो कीर्तन में कितने कितने सुंदर कथा बताया है, ब्रह्मवाणी ब्रह्मवादी को लिए बहुत कथा सुनाया है, क्यों ये सब झूठ मूठ क्यों लोगों को बोलते है, ये ब्रह्म लीन हो गया है ब्रह्म बन गया है, जीव कभी ब्रह्म बन नहीं सकते इसका चित्र से समझ, आत्मा के स्वरूप है नित्य स्वरूप है, मानव ही भाग से जीव और लोक के जीव और तो सनातन, गीता में जो भगवान इस कथा को प्रमाण दे रहे जीव नित्य शाश्वत चिरंतन जीव अविनाशी, तो जीव कैसे ब्रह्म कैसे बनता,
चलो, ये सनक सनातन जो है ये ब्रह्मवादी में, ये भगवान की जो अंग कांति में उसे प्रवेश करना छठा ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया कि भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मेरे पुत्रों की जो है आप रक्षा की, मैंने इतने शास्त्र सब पढ़ाया, सब कुछ वेद उपनिषद सब कुछ सुना है, और देखो कहाँ ब्रह्म लिंग में बिता है, कथा आदि तो श्रवण कर, भागवत कथा आदि श्रवण कर। इसलिए देखो ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु की प्रार्थना की और भगवान विष्णु उनके प्रार्थना को स्वीकार कर, और उसमें भगवान विष्णु ने क्या की, अपने चरण कमल की अर्पित तुलसी, और वो तुलसी के मकरंद सुगंध जो है, जोग माया के द्वारा वायु के माध्यम से वो चार कुमारों के नाक में प्रवेश कराए। देखो ये तुलसी भगवान में अर्पित तुलसी मकरंद के इतने सुगंध के प्रभाव करते हैं, जो लोग ब्रह्म में ध्यान कर रहे और कहीं को नहीं एकमात्र ब्रह्म में ध्यान कर रहे, देखो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के उनके क्या करते, विचलित कर दे है, उनके ब्रह्म ध्यान क्या हो गया है? और जिस दिशा से ऐसे सुगंध आ रहे हैं और उसी दिशा तो दिशा के तरफ दौड़ रहे हैं, इसलिए तो देखा रहे भगवान की चरण में अर्पित जो तुलसी और तुलसी की जो मकरंद सुगंध है कितने शक्ति है, ब्रह्म ज्ञानी के भी खींच करके ले जाते है। और इसलिए वो चार कुमारों ने क्या की, दौड़ रहे चल है वैकुंठ के है, कितना दरवाजा है, सात दरवाजा बताया है, एक एक दरवाजा को पार करके छह दरवाजा पार करके चले गए, किसी ने ना रोका ना कुछ किया है। और चार ब्रह्मचारी देखने में बहुत सुंदर है, पांच साल के बालक जैसे, किंतु बहुत हट्टा कट्टा देखने में बहुत सुंदर है, वस्त्र ही नहीं था देखने में इतने सुंदर, शरीर की जो जति छटा चारी दिशा में मानो उजाला कर है, बहुत सुंदर देखने है, हिस्ट पुष्ट इतने शरीर है। और देखो सातवां दरवाजे में जब पहुंचे है, वह वैकुंठ के जो है अंतिम दरवाजा वैकुंठ के प्रवेश करने के द्वार कहा गया है, प्राण में ऐसे कहा गया है, जैसे महाराज जी से दुर्गा उतरे कहाँ से बोले ना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, उसमें सब द्वारपाल बैठे रहते हैं, जैसे उन्होंने कहा ये उत्तर के तरफ कौन रहता है, भद्र और सुभद्र, दक्षिण में धाता विधाता, और पूर्व तरफ कौन रहता है, चंड प्रचंड, और पश्चिम के तरफ जय विजय है, लघु भागवत मंत्र में बता रहे हैं। तो ये लोगों ने कहा कि उसी पश्चिम दरवाजा के तरफ ले चले, आज जब आगे तब ये जय विजय ने एक ही उनको रोक दिया है, रोक है, कहां जा रहे, कहां जा रहे, बल्ले की तरीका नहीं है, है कहां जा रहे, ये चार कुमार भी कम नहीं है, है बहुत तेजस्वी और ब्रह्म ज्ञानी है, साधारण कोई थोड़ी है, थोड़ी होने वाली है। अरे हम लोग तो अब देख लो कि दरवाजा में वैकुंठ के तरफ वैकुंठ में ही प्रवेश करना है, और कहाँ जाना है, कोई मंदिर के दरवाजा में आ गया तो कोई कहीं पूछे कहाँ जाओगे, आपके क्या कहाँ जाएंगे, मतलब मंदिर में जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, और कहाँ जाएंगे, ये पूछने की थोड़ी तरीका है। ये चार कुमारों ने उसी प्रकार भी है और तेजस्वी थे, हट जा
है? अरे विष्णु के दर्शन करने के लिए यही तुम्हारा है? नंगे धड़े में? अरे विष्णु कैसे तुम जानते हो क्या छोटा बालक है? भाई देखो जैसे जो व्यक्ति है उसी प्रकार तो व्यस्त जाना चाहिए ना है? बंगाल में कहते हैं जैसे देश वैसे वेश, ऐसे वेश है? जैसे देश ऐसे वेश होना चाहिए है? और तुम लोग जानते नहीं कहा है जा पीछे भाई देखो उन्होंने क्या की हाथ में जो लठी डालते ना उसके लिए ऐसे करते जाओ है? भगवान विष्णु कैसे देखने में कितने सुंदर है और अनेकों अलंकार के द्वारा सुसज्जित है, है? और तुम लोग ऐसे नंगे धड़ंगे होके जा रहे हट जा भाई देखो ऐसे गाली देने के साथ ही साथ ये चार कुमारों भी कम नहीं है। अरे तू असुर जैसे कहा है भगवान के जो मिलने के लिए जाते हैं उसमें जो बाधा डालते हैं उसको असुर कहा जाता है। पहली कारण असुर इस संसार में कौन है? दो तो सर्कुल के उसमें दैव असुर ही बचो विष्णु भक्त भवे दैव असुर स्तर आसुर स्तर भी बचे तो असुर तो वही है जो भगवत दर्शन में बाधा देते हैं उसके तो असुर कहा जाता है। जो भगवत भजन में बाधा देते हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण कुंभकर्ण इसके असुर किसने कहा गया? ये सब भगवत विरोधी है, है? भक्त और भगवत विरोधी होने के नाते उसको असुर कहा गया। असुर के कोई दो चार हाथ पैर नहीं है स्वभाव ही उसमें बता देते हैं है? बस दुष्ट इसे देखो वो चार कुमार नहीं क्यों भी कम नहीं ये तुम्हारे स्वभाव के कहाँ भगवत दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और दर्शन की बाधा दी अभिशाप जाओ है असुर जन ही प्राप्त करो मर्त लोक में जाओ और तीन जना असुर जन ही प्राप्त ऐसे अभिशाप देने के साथ ही साथ भगवान विष्णु है अंदर मन से बाहर बाहर और भगवान विष्णु भी अत्यंत दीनहीन होकर के चार कुमारों के निकट कहने लगे है ये कुमार देखो मेरे सेवक के अपराध मानी मेरा ही अपराध है मैं क्षमा विचार है आप लोग ब्राह्मण कुमार है और है आप लोग के ऊपर इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं। देखो भगवान कैसे दीन होता है दिने दिनों तक हम पर देखा भगवान कैसे है ये मेरा ही अपराध है। भगवान जब ऐसे कहने लगे देखो चार कुमारों क्या हो लज्जित कहाँ भगवान है और कहाँ मैं उनके भी है दोनों दाग पर के मैंने अभिशाप दिया वास्तविक सत्य है भगवान की ऐसी दीनता देख करके ये चारों कुमारों के मन में ऐसी प्लानिंग नहीं हुआ है। गर्ग संहिता में इसके कथा को और भी सुंदर करके बल बताया गर्ग संहिता जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान जब ऐसे अनेक अनेक दैन करके भगवान चार कुमारों के निकट कैसे कैसे सब जो बोलते हैं तब और इधर ये चार कुमारों क्या बोले दारपाल जो है भगवान के विष्णु निकट रोने लगे या आप लोग के छोड़ आपके छोड़ करके हम कैसे मरते लोग मिल जाए विरह भाग विरह की तड़प तब भगवान विष्णु उनके भी संतना देने लगे ये देखो दारपाल दर वास्तव ये मेरा मन की इच्छा नहीं थी है? मैंने एक दिन सोच रहा था जब मैंने समस्त प्रकार रसों का आस्वादन किया किंतु
ये वीर रस को मैं प्रसादन कर, किंतु वैकुंठ धाम में मेरे साथ कौन लड़ेगा है? रश्मि कुलकर्णी, और मेरा वो बराबर कोई है ही नहीं है, भगवान की कोई बराबर कोई है? भगवान की बराबर तो नहीं है, तो उनके अधिक होना तो बहुत दूर है। इसमें कार्य जो मैं विचार करने लगी, एक बार मैंने दृष्टिपात किया तुम लोगों के ऊपर अर्थात जय विजय ऊपर जी, ये जय विजय दोनों व्यक्ति कभी यदि मर्त लोक में जाए है? और मैं किसी प्रकार से इन लोगों के साथ वीर रस आस्वादन करें, ये मेरा मन की भावना है। तो यहाँ पर आपके भी प्रश्न भी हो सकता है, अच्छा भगवान ये जॉय विजय के क्यों चुना? और तो दरपाल है उधर है, भगवान हर समय थोड़ी पश्चिम दरवाजे से थोड़ी निकलते हैं, भगवान किसी दरवाजे से निकलते हो और उनके और दार में कितने कितने दरपाल है? दो 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 हैं। अच्छा ठीक है, हमने एक पश्चिम दरवाजे छोड़ करके अच्छा ठीक आप तो बोलते तो चार दरवाजे चार के आठ दरवाजा है ना, तो ये पश्चिम दरवाजा के पर जय विजय के प्रति दृष्टिपात की हुई है। देखो भगवान स्वतंत्र से इच्छा नहीं हुआ, ये तो सब किसके द्वारा कौन कौन काम कराना है, किसके ऊपर शक्ति संचार करना है वो जानते हैं है? जैसे हम कभी भी चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, कभी कभी मेरा मन में ये प्रश्न जगते हैं है? देखो महाप्रभु इतने सब परिकर थे, स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु भाव को पहली जान लेते थे, और स्वरूप दामोदर जैसे नभद नभविष्य राय रमानंद, स्वरूप दामोदर राय रमानंद ये कौन है क्या है? सर्वभू भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ में जितने भी सब थे सब एक एक धुरंधर थे, और सब शास्त्र के ज्ञाता भी थे, सर्व प्रकार के योग्य थे सब महाप्रभु लीला में पहले थे है? किंतु महाप्रभु अपने सारे हृदय की जो कुछ वस्तु जो है रत्न जो है रूप गोस्वामी पद के क्यों दिए? स्वरूप दामोदर के दे देते, रामानंद के देते, कोई काम नहीं है। महाप्रभु के जो भाव कहते हैं एकमात्र स्वरूप जाने, एकमात्र स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय के भाव जान देते थे। महाप्रभु भाव प्रकट करने के पहले स्वरूप दामोदर जान देते, जैसे मैं ये भी कथा भी सुनते हैं कहाँ तक सत्य है पता नहीं, ये प्रभुपाद के कुछ ऐसे शिष्य थे यार, प्रभुपाद क्या बोलेंगे क्या भाषण देंगे है वो बता देते थे, इधर की बात नहीं ऐसे सुना मैंने कहाँ तक सत्य है। महाप्रभुपाद के समय ऐसे ऐसे भी थे यार क्या बताएं, भाव क्योंकि ये लोग सब अंतरंग है, इसके द्वारा तो समझना चाहिए ये अंतरंग है, और उसमें अपने आप उनके भाव की संचार होता है, नहीं तो कैसे बोल पाएंगे? स्वरूप दामोदर इसमें चैतन्य चरितामृत में कैसे अकेला जाने स्वरूप, स्वरूप दामोदर एकमात्र महाप्रभु के भाव जानते थे। इतने चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जब नित्य गीत आदि करते थे और महाप्रभु के भाव के जान अनुसार स्वरूप दामोदर कीर्तन करते थे है? और महाप्रभु उस कीर्तन के सुन करके महाप्रभु उल्लसित होते थे है? महाप्रभु जी सही तो प्राण तो पायनु जहाँ लगी मदन दहने झुरी गए, स्वरूप दामोदर इसी को जो भाव को जो है बार बार कीर्तन करते थे, और महाप्रभु इसी को सुन करके और उद्दंड होकर के प्रेम से जो है नित्य आदि करते थे, वो रोते थे है आंखों के आंसू की धारा प्रसाद है,
और महाप्रभु के भाव के अनुसार है सब कुछ सर्वदान साधारण थोड़ी महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है। महाप्रभु के अंतरंग पार्षद में सर्वदामोदर राय रमानंद की विशेष महिमा थी। गदाधर पंडित ये भी साक्षात गदाधर की मूर्ति बताए हैं। गदाधर दास ये भी राधारानी के कहा जाता है, प्रकाश भी कहा जाता है। ये गदाधर पंडित और एक गदाधर दास हैं। आज दो गदाधर है, दोनों ही राधा जी की प्रकाश भी कहते हैं। क्यों महाप्रभु के सर्वदाम देखिए रूप गोस्वामी पद के क्यों दिए है। स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष भगवान अपने प्रिय वस्तु के किसको दे तो क्या करें है। योग्यता अयोग्यता विचार करते हम लोग जाए अपराध बन जाएंगे है। आज हम कहते हैं ये योग्य है वो योग्य है, और महापुरुष स्वयं कह रहे वो दूसरी बात है। महापुरुष स्वयं कहा है योग्य पात्र जानी रूपे सब समर्पिला, महापुरुष कह रहे हैं अपने स्नेह ममता के लिए है। ये रूप योग्य पात्र क्या ये लोग योग्य पात्र नहीं थे है। कहा निशिम महाराज, निशिम महाराज संग कभी कभी ऐसे तर्क होता है, अरे तर्क के द्वारा थोड़ी होता है क्यों दिया इसलिए सरूप दामोदर भी रूप गोस्वामी पाद के भी महात्म्य उन्होंने वर्णन किया। प्रियस्थ स्वरूप दैव स्वरूप इस श्लोक वर्णन किया है। ये सरूप दामोदर की रचित श्लोक हम इस प्रसंग में इसलिए कहा ये भगवान अपने प्रिय वस्तु सर्वश्रेष्ठ वस्तु अत्यंत जो है मूल्यवान वस्तु किसको देंगे उसकी इच्छा है। ये कौए के क्या कर देते गुरु बना सकते हैं, अधमे को अधमे का करे कोई लग गुरु है। चेतन चेतन बन लो भगवान स्वतंत्र सच्चामय पुरुष जिसको जैसे चाहे ऐसे बना दो है। इसके ऊपर किसी को करना नहीं, खुदे खुदा के ऊपर खुदगरी क्या बोलते खुदगरी किसी को करना नहीं है। जो करते हैं वही स्वतंत्र सच्चामय पुरुष करते हैं। क्यों प्रश्न के उत्तर नहीं होता है और हम लोग जितने प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो सब ठीक है, केवल तर्क के द्वारा ही करते हैं सब है। आई था तो ये दोनों के ऊपर क्यों है प्रकाश डाला ये जय विजय के बाद स्वतंत्र से मैंने कहने की तात्पर्य है ये और तो दरवाजा नहीं है, है? दो 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 करके जैसे और तो तीन छह है तीन तीन छह ये दोनों के प्रति दृष्टिपात क्यों किया और भगवान भी है आज जिसको कराना वो करते हैं। जितनी सब योग्य होने पर भी कभी जिसको अपने इच्छा है वो दे चलो। स्वयं भगवान भी कहने लगे देखो मेरे मन में ये ऐसी इच्छा है। और दूसरी श्रीमद भागवत या तृतीय स्कंद में वर्णन होते जाए ये एक समय लक्ष्मी देवी जो है भगवान विष्णु के कक्ष में प्रवेश कर उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और दरवाजा पर ये दोनों खड़े थे और यही दोनों जय विजय जो है लक्ष्मी देवी के जो है अंदर जाने से बाधा सृष्टि इसलिए कर रही अपराध है। यद्यपि वैकुंठ आदि धाम में अपराध कोई विचार नहीं होता है, अपराध के जितने भी विचार है सब इस जगत में होता है। उस जगत में अपराध को गुरु कहेंगे तो वैकुंठ से उपस्थित हो जाते। तथापि इस समस्त लीला आदि दर्शन करा रहे उन्होंने क्या कि फिर कहने लगे मेरे मन में इच्छा इसलिए कहने लगे ये जय विजय तुम लोग मन धाम में जाओ और मैं ही तुम लोग उद्धार करने के लिए
बार भी नहीं तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए वही जय विजय जो है सप्त युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट हुए और इसके पश्चात त्रेता युग में क्या हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए और द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र के रूप में प्रकट हुए। लीलाधीश प्रकार सप्त युग में स्वयं भगवान विष्णु जी हिरण्याक्ष के वध किया बराह रूप धारण करके और हिरण्यकशिपु के वध किया नरसिंहदेव भगवान के रूप में और त्रेता युग में स्वयं भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर के रावण कुंभकर्ण के वध किया और द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण शिशुपाल दंत वक्र की वध करके तब क्या है ये समस्त कथा वर्णन दी जा रही है। इसलिए सत्यजुग की कथा जो है ये बता दी जा रहे हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा। यहाँ से हमारे सुखदेव गोस्वामी पाल परीक्षित महाराज की जय यही कथा सुनाते जा रहे हैं। ये परीक्षित महाराज ध्यान से सुनो, ये हिरण पहले जन्म कौन लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जो है ये पहली जन्म और हिरण्यकशिपु बाद में, किंतु दोनों बलवान बलशाली थे, जन्म लेते ही वास बहुत बलवान। देखो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के तात्पर्य भी हमें समझ लीजिए, क्यों हर वस्तु के तात्पर्य में जैसे पुतना की तात्पर्य समझना चाहिए, पुत नाम को नरक से जी उद्धार, पुतना पुत माने पवित्र, न माने नहीं है, जो पवित्र नहीं है उसके कहा जाए पुतना। ये काम क्रोध आदि ये सब अपवित्र है, काम क्रोध आदि हमारी हृदय से जब तक दुर्वृत्ति नहीं हो चित्त निर्मल नहीं होगा, इसलिए भगवान ये भी दिखाएगा चित्त के निर्मल करना है। भक्ति विनोद ठाकुर इसको भी दिखाए, एक ही लीला के तात्पर्य भी दिखाए, लीला के तात्पर्य लीला तात्पर्य की दिखाए। भक्ति विनोद ठाकुर के उस ग्रंथ में लिखा है एक ही लीला के तत्व उतना पद के तत्व लीला के तात्पर्य क्या है, सकरासु और क्या तिनावर्त दिव्य अलग अलग जो है असुर के बौद्ध के जो है तात्पर्य भी दिखाए, सिग्निफिकेंट दिखाया, दिखाए ठीक उसी प्रकार ये भी हमें जानना चाहिए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का तात्पर्य क्या है। हिरण के हिरण माने सोना, सोना दाना के प्रति जिसको आंख चलते हैं, तात्पर्य क्या है, अत्यंत भोग सुख आदि प्राप्ति करने के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु के हीरा सोने हीरा का सबके सोना के तौर पर ये सोने दाने की जहां पर रहते हैं वहीं पर सब काम क्रोध आदि आग की आश्रय लेते हैं। इसलिए देखो विवाह के समय स्त्रियों के सबसे पसंद क्या है, सोना सोना है? आज अमर विष्णु महाराज कहाँ कहाँ किसी को बता रही थे, एक्चुअल शिव जी के रथ से ये सोना प्रकटित हुआ और ये काम की वृद्धि है और ये काम है रक्त से नहीं रेत कणा से वीर्य से सिद्धि कणा है आसमी जी। हाँ जब वो मोहिनी रूप धारण किया ना मोहिनी को देख करके उनके भी वीर्य स्खलित हो गया, सब खोल करके बनना पड़ता है, मैं तो खोलना नहीं चाहता हूँ पुराण की कथा है सर, वो उससे जो है ये स्वर्ण उत्पाद और ये स्वर्ण क्या सोना क्या है
काम का, इसलिए कहते हैं संत महात्मा सोना नखंड है, गोल्डन बाबा है आज में, और उसकी क्या है वो रहता है और ना कली के स्थान का है। श्रीमद् भागवत में आर्य कली महाराज को चार स्थान दे दिया, दूतम पानम स्त्रीय सुना, ये चार स्थान दे दिया, पुनश्च जाचमन पुनः मांगने पर शरण भी दे दिया। शरण भी कली के स्थान किस लिए, इसलिए जहाँ पर शरण रहेगा ना उसमें झगड़ा होगा, मारपीट होता है, तो कली के स्थान है झगड़ा पलायन दादी के कली है आज। इसलिए शरण कहाँ पर रखना चाहिए, एकमात्र विष्णु मंदिर में, भगवान विष्णु जो है उसको रक्षा करते। इसलिए देखो शास्त्र में लिखा ये विष्णु मंदिर के जो कलश होते हैं स्वर्ण कलश होता है, उस स्वर्ण कलश के ऊपर क्या रहता है, विष्णु चक्र रहता है। ये हमारे जीवन में देखा नहीं वो कलश है ना है, उस कलश के ऊपर सोने के जल जो है वो चढ़ाया था मेरा यद, हमारी उमा दीदी ने ये उमा दीदी ने अपने सारे सोना के दिया था गुरुदेव, और उस सोना की जो है वो कलश में चढ़ाया था सन, और उसके ऊपर कौन रहता है, कलश के ऊपर कौन रहता है, विष्णु चक्र रहता है। इसलिए एकमात्र विष्णु मंदिर छोड़ करके और सोना कहीं रखना नहीं चाहिए, क्यों भगवान अपने चक्र के द्वारा वो रक्षा करें, जहां पर भगवान के विष्णु चक्र रहते हैं कली वहां पर कहां प्रवेश कर, ये शास्त्र है, कहीं की जगह में लिखा है, पुराण में लिखा है, मैं नहीं कहता सुना है। इसलिए विष्णु चक्र रक्षा कर, इसका दूतम पान स्त्री और सुना जत्र धर्म पुनश्च जाचा माने, तो यहाँ भी रख सकते हैं ना, कहाँ पर यहाँ कंकर चोर चुरी कर ले जाए नहीं, जैसे यहाँ पे तो कृष्ण है ना, हाँ कृष्ण रक्षा करेंगे, ठीक है चलो उसकी तरफ। पुराण की इस कथा जो है, जिस दिन परीक्षित महाराज, ये पुराण की कथा है, भागवत में ऐसे लिखा नहीं है, परीक्षित महाराज जिस दिन मृगा करने के लिए गए और वो क्या बोले समीप ऋषि आश्रम में पहुंचे, तो उस समय जो वो जो मुकुट जो धारण किया था वो मुकुट था इसका क्या नाम है, क्या बता रहे, जरासंध के मुकुट था वो शरण, ऐसे पुराण में लिखा है, कई पुराण भागवत में ऐसे थोड़ी लिखा है। आज जिस मुकुट के द्वारा स्वयं युधिष्ठिर महाराज उनके राजभिषेक किया था, उस मुकुट के उस दिन वो नहीं पहने, देखो भगवान का आगे लीला करना है ना, इसलिए जो मैंने वास्ते कर दी, इसलिए कहा जाता है यदि युधिष्ठिर महाराज के हाथ के द्वारा जो अभिषिक्त जो मुकुट पहन करके जाती है तब कली उनके ऊपर डट नहीं जाती। तो ऐसे से पुराण की कथा है, पंडित लोग जो है पुराण की रक्षा आदि करते हैं। यदि हाँ वो उसमें वही लिखा है, हाँ ऐसे तो मैं भी पुराण में इसे पढ़ा, इसके सुनने के बाद मैंने एक पुराण ढूंढा था उसमें ये लिखा है, वो जो है वो जरासंध के जो है मुकुट था, तो उस दिन वो उसको पहन करके जिस मुकुट के जिस मुकुट से युधिष्ठिर महाराज पंच पांडव उनको जो राज अभिषेक किया उस मुकुट को रख दिया और उसी मुकुट को जरासंध के मुकुट पहन करके है काल सब कराते यही तो दिया है। आज ये मेरा ये तात्पर्य क्या है कि तात्पर्य जो है कथा को यहाँ पर मैं समाप्त महाराज जी बताएंगे जी, ये क्या है जो क्या बता रहे थे दर्शन वो सोना, ये जो है हिरण्याक्ष के तात्पर्य है, हिरण के तरीके हिरण मैंने सोना की तरफ जिसके ओक्षित जाता है इसलिए नाम है हिरण्याक्ष का। और हिरण्यकशिपु, हिरण्य और पशु, हिरण्य मैंने सोना था और पशु शब्द के अर्थ होता है अत्यंत सुकमल जो है विस्तार बेट है, आज समझ में वो भी क्या है
भोग सुख के ही माना जाता है और वही उसी से काम क्रोध आदि उत्पन्न होता है। इसके तात्पर्य ऐसे ही लिखा है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के तात्पर्य उसी प्रकार है। और दूसरी ये तो है ही है, ये हिरण्य काल इसी कथा को बताएंगे। काल तो मेन कथा है ना, आज तो केवल भूमिका बनते जा रही है। आज महाराज के दिया जाए समय हो जाए बर वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम गोपाल सिंधु पावने भो अरे हाँ मेरा ऊपर हाँ मेरा कपड़ा को इतने गुण में कपड़ा को ऊपर सुखाने के क्या है, इतना दिन रख देते हर रोज रख के आता है, सुबह मिल देते हैं फिर आगे चले जाता है। कपड़े के जो है अपने गर्मी हवा है ना अपने सूख जाता है एक एक घंटा में। कितने दिन से समझा रहा हूँ अच्छा महाराज इधर बैठे मैं चला जाता हूँ क्योंकि ये वो चेंज किया था ना वायर माइक कपड़ा जी।